البلاء وبره الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء أنت المستعان وإليك المشتقى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفعان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركنا أدركنا الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات اونچی صلوات سارے حضرات پڑھ چھو جتنا عقیدہ بلند ہے اتنی بلند صلوات سارے حضرات پڑھ چھو أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين السلام علی رسول الکریم ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا صلوات توجہ جناب کرامت صاحب کل میں ٹائم منگے تھوڑی جی ٹائم دی حاضری بانی ہون دی حیثیت نال حاضری ہوندی ہے سرکار دا مہینہ ہے تے اگر حضور جم دن تو بات جشن کیوں ہے جمن والے تو روز جمدے پن سورہ طلاق دی آیت ہے
कद अनजल अल्लाह इलैकुम ज़िक्र रसूल, हमने रसूल को नाजिल किया। हमने आपकी तरफ वो जिक्र नाजिल किया जो रसूल है, हमने नाजिल किया। इन्ना नहनो नज़लन ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, जिक्र को नाजिल भी हमने किया, इसके मुहाफिज भी हम ही हैं। लाहौर आले अल्लाह त मैं जुड़दी हुई नू ए, हम कौन हैं? सैयद रूहुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह अपनी किताब चौथी सरकार का फरमान लिखा है, मेरा मौला फरमाते लना मा अल्लाह हालातुन होवा फिया नहनो वा नहनो फिया होवा इल्ला इन्नहु होवा होवा वा नहनो नहनो। हमारे अल्लाह के साथ हालात कभी कभार यूं बन जाते हैं कि हम वो हो जाते हैं। हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, इसके बावजूद वो रहता है, हम रहते हैं। हमारे वाला काम वो करे तो वो बंदा नहीं, उसका काम हम करें तो हम अल्लाह नहीं। उसका काम हम करें तो हम अल्लाह नहीं, बल्कि मेरे मौला ने वाज़े फरमाया, फरमाते हैं अनल मौसूफ़ बे अल्फ सिफ़तिन मिन सिफ़ातिल्लाह गैर अल-उलूहिया, अल्लाह की इलाही सिफत से हट कर 1000 सिफात का अकेला मैं अली मालिक हूँ। अल्लाह दी 1000 सिफात दा मैं कल्ला अली मालिक, अनल मौसूफ बे अल्फ सिफतिन मिन सिफातिल्लाह गैर अल-उलूहिया। अल्लाह दी सिफात ही तो मोमिन ही शामिल हो सकता है। अल्लाह रहमान तो रहीम है, फिर मोमिन नहीं होता रहम करने वाला, क्योंकि मौला फरमाने मोमिन में एक सिफत हमारी जद की है, एक हमारी है, एक अल्लाह की है। हमारी जद की ये सिफत है मोमिन में कि हमारी जद भी खुश अखलाक, मोमिन भी खुश अखलाक। आपकी क्या सिफत रखता है मोमिन? फरमाते नहनु साबिरून व शियातुना अफजलु मिन्ना, हम साबिर हैं, हमारे शिया हमसे बड़े साबिर हैं, हमारे शिया। मौला आपसे बढ़कर कैसे? फरमाए हम पे मुसीबत आए, हमें पता होता है आज आई है, फलां दिन टल जाएगी, इन्हें ये पता भी नहीं होता कब टलेगी, फिर भी हमारी विलायत नहीं छोड़ते। अल्लाह अल अजल अल अजल हो गया भाई, मेहरबानी पानी नहीं भाई। बाबा हो गया, बस कर दो, मेहरबानी। नारा हैदरी, ये फिर भी हमारी मोहब्बत नहीं छोड़ते। अल्लाह वाली सिफत मोमिन में है कि वो भी सत्तारुल उयूब है,
मोमिन होता वही है जो ऐब छुपाने वाला हो बताने वाला ना हो। पर आम मोमिन अल्लाह की सिफात शामिल हो सकता है, सिफात शामिल होना शरीक नहीं, सिफात शामिल होना अल्लाह का शरीक होना नहीं। मेरा रसूल साया नहीं रखता, 14 ही साया नहीं रखते, थोड़ा साढ़ा तो है ना। यही वजह है कि अंधेरे में हमारी नमाज होती नहीं, इतनी रोशनी हो के साया बने। क्या अंधेरे में हम अल्लाह को नजर नहीं आते? फरमान नजर आते हो, लेकिन तुम नमाज में नमाज की तरफ नहीं होते, और वो छोड़ने के मूड में है, वो चाहता है तुम्हारा साया बने। मैं ये सोच के कबूल कर लेता हूं, ये मुझे नहीं झुक रहा, इसका साया तो मुझे झुक रहा है। साडा साया झुक दे, साडा साया झुक दे, ते 14 साया रख दे नहीं, आप झुक दे। साडा साया झुकदा है, मेरी आखिरी बात कर रहे हैं, सुबह मसाया पढ़ने लगा। साडा साया झुकदा है, 14 आप। अल्लामा अकीलुल गरवी साहब इन इंडिया वाले, उन्होंने एक जुमला आखे, उन्होंने फरमाया, लोगो हमसे अल्लाह की बंदगी नहीं होती, हम पैदा ही अली की बंदगी के लिए हुए हैं। हम पैदा ही नबी की बंदगी कर सकता है तो अली, अल्लाह की बंदगी कर सकते हैं तो ये 14। इन्हां दा साया कोई नहीं, साडा साया है। अल्लामा ज़ुरकानी से पूछा गया कि इनका साया क्यों नहीं, वो फरमाते हैं चूंकि ये खुद अल्लाह का साया है। चौदह खुद अल्लाह का साया है और साए का साया नहीं होता। मेरा साया है, मेरा है ना, थोड़ा है। मैं खड़ा साया खलोता है, मैं हाथ चाहे साए नाल चाहे, जिवें मैं करदा उवें साया कर दे, करदा उए जी मैं करदा, लेकिन इदे बावजूद साया मेरा शरीक नहीं, साया मेरा मोहताज है। अगर वो मेरा शरीक है, उन्हों आख मैं खलोता, तू बह के विखा। साया मोहताज है, इवें 14 अल्लाह दे शरीक नहीं, अल्लाह दे मोहताज हैं। महातशा ऊना इल्ला यशा अल्लाह, साया वैसे करता है जो मालिक करे, ऊपर बैठ के जो खुदा करता है, नीचे रह के ये 14 करते हैं। मौला थोड़ी जिंदगी करे, बस इतना ही पढ़ना है। जब कभी करवट बदलती थी तो दुख जाते थे काम, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। जब तलक जिंदा रही सोने से लाहौर वाले पूरे पाकिस्तान पूरे पंजाब के मजमे सज्जाद नू एडा निन्ने मारा जितना सकीना को मारा ने। इतना शामिया सजाद नहीं मारा, सकीना नाम नहीं, सकीना लकब है। चूंकि कैमरे लगे हुए हैं, कई दोस्त सुनते पे उन्होंने जो नाम पाक नहीं सुनते,
अगर ये ना होता तो ये लफ्ज़ कुरान च ना आता। फानदल अल्लाह सकीना तहु व रसूल, ये कुरान की आयत है। इतना सजात को नहीं मारा जितना कत्ल दी एफ आई आर ही होवे। पढ़े लिखे लोग लायर बैठे हो सन, कानूनदान बैठे हो सन, काशिफ भाई कत्ल दी एफ आई आर ही होवे। शाह जी ना मुकम्मल है, हैदरी साहब ना मुकम्मल है जब तक विच वजह इनात न लिखी होवे कि मारा क्यों मारा, हुसैन दी चार साल दी धी को क्यों मारा जी। मैं पढ़ता क्यों मारा है हुसैन दी चार साल दी धी को, शिमर को पूछा गया। मैं इतना ही और पढ़ना जितना मैं पढ़ी खड़ा खत्म। शिमर को पूछा गया ते सज्जाद नू इतना नहीं मारा जितना ते सकीना नू मारे, इस जालिम दा बच्चा आदे पता क्यों मारे, अदे दस क्यों मारे ये जालिम दा बच्चा आदे, सज्जाद पुत्र थी के प्यू छुड़वावन नहीं आया। ए धी थी के प्यू छुड़ान आ गई है। मरहबा मरहबा या रहमकुमुल्लाह, अल्लाह तेरी आवाज़ पर रहमत नाज़िल करे। थोड़ा जी अभी आवाज़ दे मैं भाई। अक्सर तुम सुनते हो कि बीबी प्यू नू मिलन गई, बीबी प्यू नू सुनते हो ना, यार मेरे मजमे सारे सैयद तो नहीं बैठे, सारे सैयद बैठे हो, गैर सादात ज्यादा बैठे हो सन, थोड़िया धियां बैठी हैं, वो तो इतने मिलन क्यों नहीं आनी है। गली च जा रहे हो ना, जेडे इतों के मकामी न्याज बेग के लोग बैठे हो, गली जा रहे हो गली च, ते सामने थोड़ी धी पई आती है। अगर तू कल्ला है तो धी तेरे नाल बुले सी, अक्सी बाबा मजलिस तू वापस जा रहे हो, बाबा घर जा रहे हो, तेरे नाल हिक मातमी है, मोमिन है, आजादार है, चुप करके सिर सट के लंघी हुए सी, जो नाल दे बंदे नूं पता न लगे जो इंदी धी है। तेरी धी च इतनी गैरत शर्म हया है जो गैर दे वेदियां तेरे नाल बोलदी नहीं, तवत आंख ना हुसैन दी धी मिलन नहीं गई, प्यू छुड़वावन गई है। बाबे नूं मिलन नहीं गई, बाबा छुड़ान गई है, जेड़ी आदी आई बाबा मैं तेरे नालों ही वड्डी मजलूमा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं तेरे नालों ही वड्डी मजलूमा, हुसैन आदे किवें सकीना, हकल मार के आदी है बाबा जदा तेनू मारा हाने मैं जिस जोगी हामी मैं छुड़वाया हा, बाबा जदा मैं कुमारा ने मैनू छुड़वाया किसे। लोग आ जाने के बीबी दे रोण तो शामी तंग आ गए, आवाज तू तंग नहीं आए, आवाज तू शाजी तंग नहीं आए, हुसैन दी धी रोंदी आई, एना हुसैन दी धी रोवया जमीन हलदी है, जलजले शुरू हो गए, लोग की आ गए, यजीद या दीवार ढह वैसी या छत ढह पुसी, ए जालिमा दे आंधी रात इस बच्ची दा वैण इंदी मां न सुन सी। जाओ सज्जाद ते बाकिर नू मेरे दरबार च लै आओ, प्यो पुत्र आखणन ए जालिमा दे जेड़ी बाबा बाबा करके रोंदी है तेरी क्या लगदी है। सज्जाद दे मेरे कोल एक शरीफ दी अमानत है, ए वेख ए लोग तेरी बहन दे रोवण तू तंग, तुहाडे कैद खाने दे नाल एक पैगंबर दे इबादत खाने, उहदे च माल खाने दे सत खाने, सतवें खाने च भेण नूं बहा। सैयद आदे डिठी होई ही वी, डिठी होई ही वी पुत्तर नहीं धी, आदे उहा नहीं जिहड़ी पेर रखदी ते चैंदी है। सैयद आदे उहा है,
अदे हाकिम दा इक हुकुमत है, इमाम आखणे मेरी कंडे कढ़ण वाली किन गई है, सजाद बड़ा रुनी है, वह दीवार नाल मत्था ला के सह गई है। सैयद अदे सारे आदरियाँ शाम न रोवन डियो है, क्या बनी? सजाद दे मुँह चो निकले वखरी कोठी, लाहौर वाले इवें आईए जिमें जिकत पानी आंदा है, ते भरा दी कड़ी हला के आ दी, वह कह को आद सैयद अदे जितों तैं जाए जींदे नवल। मेरी जाकरी दे उस्ताद हैं शहीद रियाज सिंह शाह मोछाले, वो एक बंद पढ़ते हैं मैं पसंद है, वो पढ़ता हूँ। आवाज आंदा हिक लाला मैं को भेड़ ना समझे, ते मैं को समेज बाकर दी बर्दी ई वखरी कैद तू चन वीरण वो तेरी भेण दी दिल बहू डरदी। आवाज़ां दे पै वन लाम मैं दे रोवण दा ते मैं कुछ समेज के ना बाबे को मैं को कसम अब्बास दे सैयदा ने नहीं मने दे अदिया नहीं मने दे तगिन जुल मैं कोई ना की दिए सैयदा ने ना को मिल गिन तय कोई वलने पहले पहले उठा बैठिए जित फुफी बैठिया है अम्मा तू ही जींदी मदीने वाल वंजे ओ ही जींदी वड़ी होए जे को अपने भिरा लाए मेरी तरफ मेरी बीमार को आके चंगी किस्मत आवी लह पई है ना नाल आई है ना बाबा मरी दाड़ी ठई वह कुत्ता बैठी है जी माँ बैठी है अम्मा तू ही जींदी करबला वल वंजे अम्मा कबरां बन गई उस ज्यादा न परे मेरी तरफों एक मशक पानी दी बार के असगर दी कबर ते लोड़ छोड़े अके असगर भेड़ सलाम ने दिया वी आदिया वी तेरे बाद मैं कुठड़ा पानी कहीं नहीं निकता विराद दामन आप क्या दिए खेल जोर सैयदा ने सारा को मिल लई आदि गलत बयानी न करे सदू को मिलिया तक पे को मिलिए फुफी को मिलिया माँ को मिलिया सैयदा ने बिना को क्यों न मिली आदि मत मैं को मिल दे देर हो वने कमीने तेरी कान ते जुलम करें सजाद कान तू छोला चावण लगे सैयदा ने मैं को मरे ने पे मारे तय नहीं बोलना आदिये तेरी कान ते लग देन मरे जिगर ते लग ले तजवीज में दसेनिया अमल तू कर सैयदा ने केरी तजवीज आदिये मैं कुए चा जीवे मैं कु बाबा चैना सैयदा ने महंगा में कुकड़ियां नहीं उठने लिया दिए बह नहीं तू गर्दन झुका मैं तेरे गल पंजा पैनिया इमाम गर्दन झुकाई भेण भिरा दे गल पंजा पे आदि उठी मेरा इमाम अखा उठाए भिरा दो ने क्या दिए बीबियां दो कान खार मेरा मुंह खार सजाद कान की दिए भेण दा मुंह की तरह निके निके हाथ मत्थे तेरा क्या दिए मैडिया मामा
मेरिया फूफिया मेरिया चाचिया सकीना दा छेकड़ी सलाम मत्थे तू हाथ चाहे फरदान फरदान हर बीबी ने अगू हाथ जोड़े ने फूफी आलिया फूफी बेऔलाद हाथ बन के आ दिए बाबे तू बात तुहाडे नाल मैं हम सफर रही हूं मेरी वजह तू किसे नु झिणक मिली होवे यतीम समझ के माफी दो मैं बाबे तो पई वनिया बाबा मैनू गिला ना लेवे ओ अपनी मर्जी नाल बहे के मातम करन आले मैं तुहाडे कोल पुछदा बीबियां चुप करके बैठियां नहीं आ हुसैन ब्याप मछली वांग तड़फण ना गई हैं फिर आ त दामन अब के आ दिए घिन जोल मतम कोई मर वने सच्चा दम अखें सकीना दा पिछे पहले तमा जुरा दिज बैठी रही सतवा कदम सच्चा चे मां तलियां ते कीन करबला तड़े क्या दिया अकबर दा बाबा मेरे रिश्ते मुक गए मरी दी तुरी वैनिये जेड़े कोशिश बैठे करें ने ओ पत्ता तो भिरा कुए आज 29 सितंबर है हब्बास की वजह तू तेरा पसीना नहीं रुकदा बाहर वैने वत वाला ने ये पत्ता तो भिरा कुए जेड़ा भेण सतवें खाने च बलावण पिया वैंदा मैं सीरत की किताब विच इक वाकिया पढ़े मेरे चौथे इमाम एक नौकर नु आखे मां कम कर कम कर नौकर आदे मैं गिया मैं सर रखा है मेरी अख लग गई आदे मैनू हवा ठड्डी महसूस हुई नौकर आदे मेरी तलियां तले जमीन निकल गई जिना मेरी अख खुली है मैं डिटाए सजाद मेरे मुंह ते पखा बैठा जले ओ लाहौर आले जड़ा नौकर ते गर्मी बर्दाश्त ना करे ना आला जानी अंधारे च भेण कीवें बलई हो सी हंजू वाले अदादार बैठे हो रोजेदार सहरी करे त्रेह ना होवे पानी ढेर पींदे ई वास्ते ढेर पींदे जो 11-12 घंटे नहीं पीना जिंदान दे दरवाजे ते आके सजात इवें कड़ियां ले हत्था ते भेण कूचा कीता बाकेरा दे कपिया करे ने सैयदा दे भेण को आखरी दफा हवा खड़ा लवे ना अदे मेरा अल्लाह चल हवा गुल पवे हौसला रिश्ते पे हो दूर दराज दे अदादार पहली कोठी आई चुप की थी आई चुके बुजुर्गां दी जाए तो मैं बुजुर्गां वाला मजमून शुरू कर खड़ा जी हाँ नौकर हाँ अदे दस भेण पूछा करके क्या खस बाके राजे के पिया करे न सैयद रे भेण को आखरी दफा हवा खड़ा लवे न पहली कोठी आई चुप की थी आई दूजी हौसला हौसला सफदर हौसला बड़े हौसले नाल बड़े हौसले अरे बाबा के पिया करे ने सैयद अरे भेण को आखरी दफा हवा खड़ा लवे ना अरे मेरे अल्लाह तू शायद मेरी भेण नु हवा नहीं लगनी बड़े हौसले नाल भाई बड़े हौसले नाल रोण वास्ते इको लफ्ज ही काफी होंदे जेड़ा अरे बाबा के खड़ा करे ने सैयद ने आखरी दवा हवा खड़ा लवे ना पहली कोठी आई चुप की थी आई हौसला करो बाबा हौसला करो मैं नौकर हूं अरे बाबा के खड़ा करे ने सैयद ने भेण को आखरी दवा हवा खड़ा ल मेरा अल्लाह मेरी भेण हवा नहीं लगनी
पहली कोठी आई चुप की थी आई दूजी कोठी आई चुप की थी आई लाहौर आले जनत्री दी कोठी आई है फिर आग फुटन लग गई सैयदा ने खैर कहे आवाज़ ने डाढ़ा दे रहे अधिये गर्मी वधनी में दिए हौसला हौसला सैयदा ने सबर कर चार खाने ने चौथी कोठी आई फिर आधी दाढ़ी ते हाथ लावन लग गई सैयदा ने क्यों खैर है अदी तेरी सोनी दाढ़ी मनु नजर नहीं आती पंजवी कोठी आई है गाली च मई कढ़न लग गई सैयदा ने खैर ते आवाज़ा ने ते वल वजने मैं कलरण सजात सजात इकला दा रुक जा भेण बिरा आखरी गल्ला कर लवें सैयदा ने कर बैण अदिय सजात मैं कुल्हा वैसे वत वलसे कढ़ा सैयदा ने जड़ा अख में वाला साथ ये पांच मिनट बाद वल्ला में मैं मर जाना है यो जई जात पुत्री नहीं बली ने मैं चन चार साल की छोटी भेण मेरा बुजुर्ग आदे जी बई फिर गल की सोटा ये बर्दाश्त करो तो करा ये इजाजत हो करा शाम का टाइम है रोन का टाइम है ये सूरज आई सुरखी दिखी उस वे सूरज मेरा चौथ मेरा छेवां इमाम आदे शहादत हुसैन तू पहले कोई नहीं जदें दा हुसैन लथे नी उभरदा ही रोके नी लहंदा ही रोके जड़ी गल मैं बुजुर्ग की आखो तो करा फिर आदले क्या दिए सजा तेनू बाबे दी शहादत दा वास्ता सैयदा ने वास्ते ना ले कर फैन फिर तो ने क्या दिए अल्लाह दे ना ते दस इत्था शिमर तनासी अगे जदा आवे आ मैं तेरी कंड पीछे लुक में दिए सजा दिते शिमर जो आया मैनू कहे छुड़ावने अदिये सजा सजा जच मेरा गया मैनु छुड़न के अल्लाह दे नाम ही मैनु लहा छोड़ हुण हाथ खुल गए तुहाडे मातमी दा हाथ खुल वजे तां पत्थरां वाली गली च नहीं रुकदा मैनू लहा छोड़ सैयदा ने दो खाने रहने छीवी कोठी आई है आगे इतने भी लहाया उठ मैं नहीं लहना सतवी कोठी आई है सैयद चोटियां चुम के आदे लहवान आवाज़ां दे हुण नहीं लहना ओ मेरिया मामा बहना दियाँ हिकमां कढ़ दे बई चपें दिए बई कढ़ दे बई चपें दिए हिकां किजड़ूयां कट्ठे कीते ने मिट्टी ते बला कई में टुरे जिवें माली बाप जान के टुर जाए अंधारे फिरा नजर नहीं आता जिवें पक्षी फिर जाए बिच पिंजरे दे ते नहीं त्रुट दी तार तपस दी मैं सैयद बानी सैयद इंशाल्लाह तुहाडे हाथ जरी ते मंज लगे जेड़ी मुश्किल दुआ जेड़ी सारा साल कबूल नहीं हुई ओ दिल च रख ते मैं वैण करा ओ लाहौर आले जिन्हां के लकीरां ते मातम लिखा होए जडा बलहा गिया हा त भैण जींदी आई जडा चावण आए त भैण मर गई आई रोकया दे मेरी भैण दा मैयत चवा बाग जड़े मातमिया दे हाथ हैं मेरी भैण दा मैयत चवा बाग हाथ कड़िया दे उते चावा
मर वने जल्दी दफनाओ तेरी चिट्टी दाढ़ी नी कसम सजा 6 घंटे भैण दा मैयत रख के बैठा रे आ दिन दफने दा क्यों नहीं कोई आके शाम दे हाकिम को मोए होए ता बाकी नहीं मेरी भेण दे गल विच रसियां ये थे जनाब सैयद गयूस साहब हुसैन शाह साहब बहर आप खतीब शामे गरीबाज सरकार लामा करामत अब्बास हैदरी साहब इनके फौरन बाद जाकर मुंतज़र मेहंदी ऑफ लाहौर उनके बाद जाकर अमीर हुसैन जाफरी साहब और अरसे आखिर पास जाकर सैयद असबार साहब और बहर साहब ठीक ऊपर गए जी ठीक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन वबाद यौमिद्दीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا مدينه العلم وعلي بابها صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ اپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں صلی اللہ محمد و آل محمد حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران مظلوم کربلا मेरे दांत में शदीद तकलीफ़ है मैं लंबा नहीं पढ़ सकूँगा लेकिन मेरा वादा था